हंड्रेड मैन का मैच नंबर 10 दोस्तों खेले जाने वाला है मैनचेस्टर ओरिजिनल वर्सेस बर्मिंघम फिनिक्स के बीच पे, और दोस्तों ये मैच खेले जाने वाला है ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम पे। तो कैसे आज के इस मैच के लिए आप लोगों ने फैंटेसी की एक बेहतरीन टीम बनाना है आज के इस वीडियो पे वही देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वेन्यू के रिकॉर्ड को जहां पर कि ये मैच खेले जाने वाला है। ओके दोस्तों, अगर बात करूं यहां पर ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम की, तो यहां पर मोस्टली जो विकेट्स है ना वो स्पिन और पेस दोनों को ही मिले हुए हैं अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। मतलब मोस्टली डोमिनेट तो पेसर ही करता है, बट स्पिनर भी यहां पर विकेट निकाल कर ले जाता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लास्ट मैच जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में यहां खेला गया ना, इस मैच पे पूरे मैच को डोमिनेट किसने किया था? स्पिन को किया था। एवरेज स्कोर अगर आप लोग वेन्यू का देखोगे तो यहां पर आप लोगों को 150 से लेकर 170 रन के बीच में बनते हुए दिख सकते हैं, और यहां पर मेरे हिसाब से एक बैलेंस पिच ही जाएगा, पेसर और स्पिनर दोनों को यहां पर ठीक ठाक एडवांटेज मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे मोस्टली 2020 पे जो मैच हुए उसमें देखो, चार विकेट गिरे फर्स्ट इनिंग्स पे तो दो पेसर को मिले, दो स्पिनर को मिले। सेकेंड इनिंग्स पे पांच विकेट गिरे थे तो दो विकेट पेसर को, तीन विकेट स्पिनर को मिले थे। यहां पर भी लगभग थोड़ा पेसर ने डोमिनेट किया, स्पिन को कम हुआ। तो यहां पर अगर देखोगे तो पेसर ने डोमिनेट नहीं किया, स्पिन ने डोमिनेट किया। इसका मतलब क्या है? वेन्यू पे जो पिच है ना वो पेसर और स्पिनर दोनों के लिए फ्रेंडली पिच है। क्लियर है? ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर प्लेइंग 11 पे कुछ भी चेंजेस आते हैं जिसके वजह से मेरी जो टीम है, जो टीम आप लोगों के साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं, उस पे कुछ चेंजेस आएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी लोगों को कन्वे कर दूंगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही अवेलेबल है, फटाफट से जाओ और पक्का से ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। ओके, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जॉस बटलर और फिल सॉल्ट ओपन करते हुए दिखेंगे आप लोगों को। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे दोस्तों मैक्स होल्डन आते हैं, फिर लॉरा इवेंस खेलने आते हैं, फिर पॉल वॉल्टर आते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एस्टन टर्नर दिखेंगे, जेमी ओवरटन दिखेंगे, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को पाकिस्तान के उस्मान मीर दिखेंगे, टॉम हार्टले दिखेंगे, जोशुआ लिटिल दिखेंगे और रिचर्ड ग्लीसन दिखेंगे। क्लियर? ये प्लेइंग 11 रहने वाली है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की। वहीं बात करूं दोस्तों यहां पर आप लोगों से बर्मिंघम फीनिक्स की प्लेइंग 11 की, तो यहां पर दोस्तों विल स्मिथ और जैकब बेथेल ओपनिंग करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे बेन डकेट खेलने आते हैं, उसके बाद जिमी स्मिथ दिखेंगे, उसके बाद डेन मूजले आते हैं खेलने ऑलराउंडर वाले सेक्शन से, उसके बाद शदाब खान दिखेंगे आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन से, उसके बाद क्रिस बेंजामिन आते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से, उसके बाद बेनी होल दिखेंगे, फिर एडम मिलने, टॉम हेल और केन रिचर्डसन आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं यहां पर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर ओरिजिनल के टीम पे आप लोगों को जॉस बटलर और फिल सॉल्ट दिखेंगे, और दोस्तों दोनों का रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है दोनों टीम के लिए। ओपन करते हैं और जॉस बटलर को देखोगे तो 83 रन 11 रन 42 37 62, लगभग 5 में से 4 मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। वेन्यू का रिकॉर्ड भी अच्छा है दोस्तों, 5 मैच में 44 के एवरेज से खेले हैं, बेस्ट स्कोर 62 का है और 50 यहां पर दो बार बना चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों अगर फिल सॉल्ट को देखोगे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरी लगाकर आ रहे हैं, उससे पहले यहां पर देखोगे 21 रन 14 रन 76 रन, बट वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी, 8 मैच में 29 के एवरेज से खेले हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत शानदार है दोस्तों, 2 मैच खेले हैं इन्होंने अगेंस्ट बर्मिंघम फिनिक्स के और उसपे 39 के एवरेज से खेले हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप लोगों को इन दोनों प्लेयर को अपने टीम पर पिक करके चलना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप लोग देखोगे बर्मिंघम फिनिक्स की टीम पर आप लोगों को जेमी स्मिथ दिखेंगे, 53 मैच में 23 के एवरेज से खेले हैं दोस्तों,
क्लियर। और बेस्ट स्कोर 60 का है और 50 तीन बार बना चुके हैं। सेकंड राउंड पोजीशन पे खेलने आएंगे दोस्तों। प्लेयर ठीक है, लिया जा सकता है स्पेशली मेगा ग्रैंड लीग पे, बट स्मॉल लीग पे उतने इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते हैं कि रहेंगे। वही बात करूं दोस्तों यहां पर क्रिस बेंजामिन की, तो क्रिस बेंजामिन का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, ठीक है। हेड टू हेड भी दो मैच में सिर्फ 11 का एवरेज है, वेन्यू पे एक मैच में 9 का एवरेज है, ओवरऑल भी देखोगे 50 मैच में सिर्फ 24 का ही एवरेज है, तो क्रिस बेंजामिन को तो ड्रॉप करके चला जा सकता है। मतलब वैसे तो मैं जेमी स्मिथ को भी ड्रॉप करने वाला हूं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से दोस्तों, मैं जॉस बटलर और फिल सॉल्ट को ही लेकर चलूंगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो मेरे मिस हो जाएंगे। बट हाँ, एक ऑप्शनल पिक मैं आप लोगों को बोलता हूं कि रह सकते हैं जेमी स्मिथ भी मेगा ग्रैंड लीग के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैनचेस्टर ओरिजिनल के टीम पे फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आते हैं मैक्स होल्डन। मैक्स होल्डन का रीसेंट परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो 54 मैच पे इन्होंने 28 के एवरेज से खेला है। क्लियर। बेस्ट स्कोर 121 नॉट आउट का है, 50 पांच बार और सेंचुरी दो बार बना चुके हैं। रिसेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो ज्यादा कुछ इन्होंने खास किया नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसीलिए मैक्स होल्डन को भी दोस्तों इस मैच में मैं ड्रॉप करने वाला हूं। हाँ, एक बात है, अगर आप लोग ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से जाते हो जहां पर कि आप लोगों ने तीन प्लेयर लेने ही होते हैं तो वहां पर एक प्लेयर आप लोगों के लिए मैक्स होल्डन इजीली हो सकता है, बट न्यू फॉर्मेट के हिसाब से मैक्स होल्डन को भी इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। लॉरी इवेंस की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेयर अच्छा है दोस्तों, एक्सपीरियंस प्लेयर है, 243 डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं, 33 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 118 का है, 50 38 बार बना चुके हैं और सेंचुरी भी तीन बार बना चुके हैं। क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। स्पेशली ओल्ड फॉर्मेट में तो आप लोगों ने लॉरी इवेंस को लेना ही है, न्यू फॉर्मेट में भी आप लोग लॉरी इवेंस को ट्राई कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही बात करूं दोस्तों बर्मिंघम फीनिक्स के टीम पे आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे विल स्मिथ। रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है, अगर आप लोग देखोगे 7, 44, 16, 5, 21, मतलब रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। 77 मैच में 29 के एवरेज से खेले हैं, बेस्ट स्कोर 101 का है, 50 13 बार और सेंचुरी एक बार बना चुके हैं। क्लियर। तो ओल्ड फॉर्मेट के हिसाब से तो सिंपल है, देखो ओल्ड फॉर्मेट में तो आप लोगों ने मैक्स होल्डन को लेना है, आप लोगों ने लॉरी इवेंस को लेना है और आप लोगों ने यहां पर विल स्मिथ को लेना है। विल स्मिथ को आप लोगों ने ट्राई करना है, बट विल स्मिथ को मत लेना, ठीक है। मैं यहां पर भूल गया था कि बैन डकेट भी है आप लोगों के पास। ओके, जैकब बैथल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस खराब है, 21 मैच में सिर्फ 12 का इनका एवरेज है, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है। जैकब बैथल को आप लोग सीधा सीधा ड्रॉप कर सकते हो। बैन डकेट की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेयर शानदार है, 11 मैच में 33 के एवरेज से खेला है, रिसेंटली अगर देखोगे टेस्ट मैच में 181 रन की पारी है, फिर 83 रन है, डोमेस्टिक पे भी 34, तो बैन डकेट को आप लोगों ने लेना है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसका मतलब अगर आप लोग ओल्ड फॉर्मेट पे खेलते हो तो किसे किसे लोगे, देखो ध्यान से सुनना दोस्तों। ओल्ड फॉर्मेट पे आप लोग लॉरी इवेंस, बेन डकेट, इन दोनों को तो पिक कर लीजिएगा, बाकी मैक्स होल्डन और विल स्मिथ ये आप लोगों के पास ऑप्शनल पिक है। क्लियर। आप लोगों ने इन दोनों में से किसी एक को चूज करके चलना है, वो आप लोग अपने हिसाब से पिक कर लीजिएगा, स्टार्ट्स आप लोगों के सामने है। वहीं अगर मैं न्यू फॉर्मेट के हिसाब से टीम बनाऊंगा ना तो दोस्तों मैं यहां से बैटिंग वाले सेक्शन से सिर्फ एक प्लेयर को लेके चलूंगा जो कि रहने वाला है मेरा बेन डकेट, बाकी सारे को मैं मोस्टली ड्रॉप करके चलूंगा। क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को मैनचेस्टर ओरिजिनल के टीम पर पॉल वॉल्टर दिखेंगे, ठीक है। 104 मैच में 21 के एवरेज से खेले हैं और 55 विकेट्स भी निकाले हैं, 50 छह बार बना चुके हैं, वेन्यू पे भी दोस्तों 6 मैच में 27 का इनका एवरेज है, एक विकेट वेन्यू पे भी इन्होंने निकाला है। इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, पिक करके चलिएगा, ड्रॉप मत कीजिएगा। एस्टन टर्नर की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और बैटिंग पे देखोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, अभी के टाइम पे कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं एस्टन टर्नर को, इसलिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करूं दोस्तों यहां पर जेमी ओवरटन की, तो यहां पर देखो 101 मैच पे 17 का इनका एवरेज है और 67 विकेट है इनके पास। क्लियर। ये भी एक ऑप्शनल पिक रह सकते हैं, वैसे जो बेस्ट पिक रहेगा दोस्तों यहां से मेरे लिए पॉल वॉल्टर ही रहने वाला है। होपफुली मैं एस्टन टर्नर को तो ड्रॉप करूंगा, मैं जेमी ओवरटन को भी ड्रॉप करके ही चलूंगा। क्लियर।
ओके वहीं दोस्तों बात करूं बर्मिंघम फीनिक्स की टीम पे, तो यहां पर आप लोगों को डेन मूसले दिखेंगे। 32 मैच पे दोस्तों 24 का इनका एवरेज है और 27 विकेट है इनके पास। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेन्यू पे देखोगे तो दो मैच पे 28 का इनका एवरेज है और एक विकेट है। डेन मूसले इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, टीम पर लेकर ही चलिएगा। शादाब खान आप सभी लोगों को पता है, शानदार बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग पे तो मास्टर है ही। बाकी अगर देखोगे इंटरनेशनल प्लेयर है, 92 मैचेस पे 18 का एवरेज है, 104 विकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पिक कर ही चलना है। वाइस कैप्टन का भी एक अच्छा कंटेंडर रहेगा, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बेनी होवल की अगर मैं बात करूं तो बेनी होवल को अगर आप लोग देखोगे 198 मैच में 22 का इनका एवरेज है, 197 विकेट है, 56 बार बना चुके हैं, 4 विकेट होल्ड एक बार है और 5 विकेट होल्ड भी एक बार है। वेन्यू पे अगर आप लोग देखोगे एक मैच इन्होंने खेला है जिसपे की 0 विकेट है, सॉरी 0 का एवरेज है, 1 विकेट है। हेड टू हेड अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो 2 मैच में 4 विकेट इन्होंने निकाल रखा है। तो यहां से दोस्तों आप लोगों के लिए पॉल वॉल्टर इंपॉर्टेंट है, डेन मूसले इंपॉर्टेंट है, शादाब खान इंपॉर्टेंट है और बेन होवल इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये 4 प्लेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेन होवल हो गया, डेन मूसले हो गया और पॉल वॉल्टर हो गया। अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन। देखो दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को उस्मा मीर दिखेंगे, 91 मैचेस खेल चुके हैं डोमेस्टिक, उस पे 90 विकेट है, 4 विकेट होल्ड 2 बार कर चुके हैं। क्लियर, आप लोगों को टॉम हार्टले दिखेंगे दोस्तों, टॉम हार्टले को देखो तो 75 मैच में 61 विकेट है टॉम हार्टले के पास। क्लियर, बाकी वेन्यू पे देखोगे तो 24 मैच में 19 विकेट है, टॉम हार्टले को आप लोग यहां पर ड्रॉप कर सकते हो। जोशुआ लेटे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ओपन और डेथ पे बॉलिंग करता है, आयरलैंड की टीम का कोर बॉलर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट निकालता है, तो आप लोग के लिए जोशुआ लिटिल यहां पर इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाला है। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर रिचर्ड ग्रेसन की, तो 6 मैच में 9 विकेट इसने भी निकाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिचर्ड ग्रेसन ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम दिख रहा है मुझे रिचर्ड ग्लिसन का, बट टीम पर पिक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए गेम चेंजर बन सकता है रिचर्ड ग्लिसन, नाम नोट डाउन करके रखिएगा। बाकी दोस्तों अगर बर्मिंघम फीनिक्स की मैं बात करूं तो यहां पर एडम मिलने आएंगे बॉलिंग कराने, ठीक है, इन्हें तो पिक करना ही है, ओपन और डेथ पे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 42 मैच पे 47 विकेट है, मस्ट पिक बॉलर है, आप लोगों ने पिक करके ही चलना है। टॉम हैम की अगर मैं बात करूं तो इनके भी अच्छे विकेट है, 86 मैच पे 98 विकेट है, ठीक है, हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बाकी केन रिचर्डसन ये इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे, आप सभी को पता है 35 मैच पे 44 विकेट है, तो केन रिचर्डसन को भी आप लोगों ने पिक करके चलना है। तो बॉलिंग वाले सेक्शन से दोस्तों आप लोगों ने किसे पिक करना है, जोशुआ लिटिल को पिक करना है, रिचर्ड ग्लेसन को पिक करना है, एडम मिलने को पिक करना है और केन रिचर्डसन को पिक करना है। 4 बॉलर बताए हैं, इन चारों बॉलर्स को याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बट यहां पर जोशुआ लिटिल, रिचर्ड ग्लिसन, एडम मिलने और केन रिचर्डसन, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप किने किया जा सकता है, टॉम हार्टले और टॉम हेल, इन दोनों को ड्रॉप किया जा सकता है। क्लियर, ओके, अभी के टाइम पे जो टीम है वो टीम कुछ इस तरह से है, ये टीम मेरे न्यू फॉर्मेट पे है। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहां पर मैं टॉम हेल्म और टॉम हार्टले इन दोनों को ड्रॉप करूंगा, उसके बदले ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे मैंने 4 ऑलराउंडर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, उन चारों ऑलराउंडर को मैं लेकर चलूंगा, मैं बेन होवल को भी लेकर चलूंगा, ठीक है, मैं शादाब खान को भी, मैं पॉल वॉल्टर को भी और एक और कौन था जिसके बारे में बताया था उसे भी लेकर चलूंगा, ठीक है। बाकी यहां से एडम मिलने, केन रिचर्डसन, जोशुआ लिटिल और ग्लिसन मेरा पंट पिक रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टॉम हेल और टॉम हार्टले को ड्रॉप करना है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन से 4 प्लेयर लेकर चलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बॉलिंग वाले सेक्शन से भी आप लोगों के पास 4 प्लेयर रहेंगे न्यू फॉर्मेट पे, बैटिंग वाले सेक्शन से बेन डकेट रहने वाला है और विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से जॉस बटलर और फिल सॉल्ट रहने वाला है। दोस्तों इस मैच में मेरा कैप्टन जॉस बटलर रहने वाला है, वाइस कैप्टन मेरा रहने वाला है शादाब खान। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोग अपने लिए ओल्ड फॉर्मेट के लिए भी एक परफेक्ट टीम बना सकते हैं, न्यू फॉर्मेट पे इस टीम पे क्या चेंजेस करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाना, वहां पर मैं आप लोगों को फाइनल टीम भी शेयर कर दूंगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, तो सभी लोग जिम्मेदारी से खेले। धन्यवाद दोस्तों।